YouTube में बिल्कुल पैसे ही नहीं है यार, इतना ज्यादा पैसा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दो अलग-अलग ये चीजें, और ये आपको मुझसे भी सुनने को मिला होगा यार YouTube में पैसे नहीं है, और ये एक्चुअल में सच है। लेकिन YouTube पे बहुत ज्यादा पैसा है, ये बात भी सच है। और ये दोनों बातें किस तरह सच हो सकती हैं कि भाई दोनों ऑपोजिट बातें सच कैसे होंगी, इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। और एक छोटा सा जो पार्ट होता है ना चुनू सा, वो भी नहीं मिस करना, एंड तक देखना। और भाई कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही जाने वाले हो, और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा भाई जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताता, जिसने मतलब मुझे तो अब 6 साल होने वाले हैं इस फील्ड के अंदर, तो मुझे काफी ज्यादा चीजें पता चल गई हैं, और आई एम फीलिंग लाइक अ गुरु। वाह वाह, मतलब फील ऐसा आ रहा है। चल वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दो, लाइक किया है तो लाइक कर दो, नहीं दोबारा डिसलाइक हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा लो, क्योंकि भाई जो 75% इवन 80% जो लोग हैं वो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी बोलोगे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, शुरू करो। यहां पर मैं आपको ये तो बताने ही वाला हूं कि YouTube में पैसा है नहीं है, क्या है, किस तरह है, किस तरह नहीं है। लेकिन साथ में आपको एंड के ऊपर या इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा, अगर आप अपना YouTube चैनल जल्दी से ग्रो करना चाहते हो या कौन से चीजों पर काम करो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा और आप पैसा बना सकते हो, वो भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दूसरी बार हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि YouTube जो है ना भाई, पैसा इसमें नहीं है। किस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा साथ अपने चैनल की लास्ट ईयर की इनकम, तो एक साल में मैंने मेरे ख्याल में तो कोई हार्डली $3,000-4,000 कमाए होंगे, $3,000-4,000 बस भाई, ये तो कोई इनकम ना हुई। कितनी वीडियोस, बहुत ज्यादा खैर मैंने वीडियोस नहीं पोस्ट की, चलो मैं अगर ज्यादा वीडियो पोस्ट करता, अगर रेगुलर में रहता तो मैं $6,000-7,000 कमा लेता, ठीक है। अगर मैं दो मतलब मैं हफ्ते में एक एक वीडियो अपलोड कर रहा था, महीने में कभी कभी मैं कर ही नहीं रहा था, 22 दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, तो अगर मैं करता तो मैं $6,000 कमा लेता। अब अगर देखा जाए तो $6,000 मतलब 12 लाख रुपए मोटे मोटे आप कर लो, 12 लाख रुपए यानी 1 लाख पर मंथ। YouTube चैनल पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर भी है और व्यूज भी ठीक ठाक पर वीडियो 15-20-25 हजार आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एड रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है, आपको एड्स से इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। एड्स बहुत ही जाहिर बात है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं, और भाई पता नहीं किन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, हम तो बहुत ही समझदार लोग थे सब, आप मैं तुम आप सब मतलब हम, लेकिन चलो बस अब जो होना तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अपना सब लोग किरदार, जो भी छोटे से छोटा जो चीजें हैं इर्द गिर्द अपने आप जो सेट कर सकते हो, जो जिसके हाथ में वो करे तो बेहतर हो सकता है। खैर अच्छा, हमारा क्योंकि मुल्क बहुत ही अभी चक्की के नीचे पिस रहा है, तो हमारे पास जो एड रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर हार्ड 4,000-5,000-3,000-4,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह है, नीच कौन सा, उसके हिसाब से ऐड चलते हैं। मतलब अगर आप बैंकिंग की वीडियो बना रहे हो तो उसमें हो सकता है आपका $1,000 बन जाए, ऑनलाइन अर्निंग में बना रहे हो $2,000 बन जाए, तो इस हिसाब से डिफरेंट होता है। गेमिंग वीडियो में 5-6 हजार व्यूज पे $1 बने, और हर मंथ भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और मतलब हो सकता है जो नवंबर और दिसंबर है इसमें आपकी अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो खैर ये सब चीजें तो अलग है। तो हमें जो एड रेवेन्यू है, सिंपल बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर से अगर आपकी ऑडियंस है तो कम मिला है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम यूएस चले जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, वहां से हम वीडियो बनाएंगे तो हमें एड रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। भाई तो भाई अगर आप यूएस में बैठ के उर्दू में वीडियो बना रहे हो तो भाई आपको देखेंगे पाकिस्तानी और इंडियन ही, और वही थका हुआ आपको एड रेट मिलेगा। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के इंग्लिश में वीडियो बनाओगे तो आपको जाहिर सी बात है बाहर के लोग देखेंगे, तो उससे आपको बेशक पाकिस्तान में जहां भी हो आपको हाँ से आपकी ऑडियंस देखने वाली है, वो चीज डिपेंड करती है कि आपका एड रेट किस तरीके से होता है। तो एड रेट तो हो गया हमारा कम, मतलब यार YouTube पे इतनी ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। नहीं भाई, फायदा तो है। अब आते हैं कि YouTube में बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब अदर साइड ऑफ YouTube। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर आपकी ऑडियंस बन गई है, आपको 10,000 लोग रेगुलर देखने वाले हैं आपकी हर वीडियो, तो आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है। 10,000, 15,000, 20,000 जितनी ज्यादा, 1,00,000, 2,00,000 वो तो फिर उतना ज्यादा प्लस 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 होता जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ बताऊँ, अगर मैं एक वीडियो स्पॉन्सर करता हूँ तो कम से कम जो मैं पैसे लेता हूँ, कम से कम मतलब एंड जो हो जाए ना यार इससे कम नहीं लेने, मतलब कभी कभी मतलब जब मैं कहता हूँ यार ये ले लेते हैं पकड़ लेते हैं चलो कोई एक काम हो जाएगा, तो $500 है, $500 एक वीडियो का, मतलब एक स्पॉन्सर करने का। अब एक स्पॉन्सर का $500 मेरे ख्याल में काफी ज्यादा जायज है। अगर 2-3 स्पॉन्सर लग जाए तो आप $1,500 महीने का मैं कह सकता हूँ, 2,000 मैं कमा लेता हूँ, ठीक है, स्पॉन्सरशिप से। और अगर इसको आप 2,000 को अगर आप 12 से करो तो $24,000 आप कह सकते हो कि चलो 20 कर लो, ठीक है, हर महीने हो सकता है ना, कभी कुछ महीने ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन अगर आप मोटा मोटा करोगे तो स्पॉन्सरशिप से मेरा $20,000 बन जाता है साल की मैं बात करूं। तो $20,000 हमने स्पॉन्सरशिप से कमा लिया, और $5,000 चलो कर लो, 6 को भी छोड़ो, $5,000 हमने कमा लिया YouTube। अब आ गई नेक्स्ट चीज एफिलिएट मार्केटिंग। मैं आपको यहाँ पर अपना एक एफिलिएट का भी अकाउंट दिखा देता हूँ जो मेरे YouTube के साथ कनेक्टेड है, और YouTube से ही वो सारे एफिलिएट की इनकम हुई है, और वो जो है तकरीबन इन 11 मंथ्स में जो है मैंने कोई $3,500 थे। खैर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा पीसी में अभी, तो मैं जब वीडियो एडिट हुई तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जो है उसका देख लीजिएगा। जो भी इनकम थी तो 2022 के अंदर कोई 3,500 कुछ इस तरह इनकम थी, तो वो मैंने की, इसको भी उसमें ऐड कर लूं, तो आप कह सकते हो कि $20,000 प्लस
$5,000 $25,000 और इसको भी कर लो तो कुछ और भी एफिलिएट्स हैं तो उनको मिला जुला के आप कह सकते हो कि $5,000 मैंने कमा लिया। टोटल मेरी इनकम कितनी हो गई? $30,000। ठीक है, $30,000 यानी मैंने कमा ली। अब एक और चीज आ जाती है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, मुझे इसके अंदर भी अच्छा स्कोप नजर आया। मैंने कहा चलो लोग कहते हैं कि यार बिलाल भी आप ब्लॉगिंग करते हो, हमें सिखाओ ब्लॉगिंग, हमने सीखनी है। तो मैंने कहा अच्छी बात यार सिखाते हैं। मैंने एक वीडियो पोस्ट की फ्री वाली, तो उस पर सिर्फ एक बंदे ने जाके वेबसाइट बनाई, क्योंकि नीचे जो ट्रैकिंग लिंक था उससे पता चल जाता है कितने लोगों ने साइन अप किया। तो एक बंदे ने, उस वीडियो पे व्यूज आए 50,000, ये मैं अगली बात बता चुका हूं। उस पर एक बंदे ने जस्ट वेबसाइट बनाई, एक बंदे ने, दो तो बना लेते यार, मतलब डबल तो हो जाते, जोड़ा तो हो जाता, लेकिन नहीं बनानी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है आपने एक बंदे ने बना ली, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई बेहतरीन तरीका यह है कि जब तक, अच्छा मैंने ये चीज नोटिस किया कि जो लोग पैसे दे के सीखते हैं ना, बेशक वही चीज, अच्छा मैं जो चीजें आपको ये सिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे आपको कोर्सेज के नंबर नजर, ये यूट्यूब पे इससे हो सकता है बेहतरीन चीजें यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पैसे ले रहा हूँ और साथ आपको उसकी सपोर्ट मिल जाती है कुछ चीज समझना है, चलो मैं जो है हमारी टीम जो मैं आपको जो है बता देते हैं कि यार इस तरीके से ये सारा कुछ करना है, तो लोगों ने पैसे भी दिए होते, ज्यादा नहीं होते, 2,000-2,500 होता है, लेकिन लोग सीखते हैं। ठीक है, तो उनको पता होता है यार पैसे लगाए हूँ, आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो अगर फ्री में वही चीज मैं दूं तो कुछ नहीं। अब बहुत से लोग, अगर 100 बंदा ले रहे हैं तो उनमें से 8-10 बंदे जो इनकम बना रहे हैं, लेकिन अगर यही अगर फ्री होता 50,000 लोगों में से एक बंदे ने शुरू किया तो सोच लो 100 में से कहां 10 या 8, चलो कर लो 8 बंदे जो है वो पैसा बना रहे हैं। मतलब लोग ये नहीं है कि सारे ही पैसा बना रहे हैं, जो कोर्स लेते हैं बना रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वो डेफिनेटली बनाता है। तो ये चीजें, अच्छा अब जो कोर्स से इनकम है वो भी अगर आप करो तो आप, अभी खैर साल नहीं हुआ हमारे कोर्स, लेकिन आप कर सकते हो कि ऑलमोस्ट $10,000 हमने कमा लिए होंगे। ठीक है, तो इतना आप बस कर लो इसको, $10,000, तो $30,000 + $10,000 $40,000। तो आप कह सकते हो कि ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग का मैं आपको नहीं बता रहा, इसके अंदर कोई क्रिप्टो का नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब से कनेक्टेड है और यूट्यूब से जो मेरी इनकम हुई। डायरेक्ट एड्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब के साथ कनेक्टेड चीजें, जो यूट्यूब चैनल होता था जो ना पॉसिबल नहीं हो सकती थी, इस तरह नहीं हो सकती थी। तो $40,000 यानी एक साल के अंदर मैंने $40,000 बनाए। अब $40,000 अगर देखा जाए तो कोई 80 हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये तकरीबन 88 लाख बनते हैं। तो आप कर लो, कुछ चीजें मैंने थोड़ी आपको कम कम बताई हैं थोड़ी सी, तो 90 लाख रुपीज आप कर सकते हो कि ऑलमोस्ट। और मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई, अगर मैं जाहिर सी बात है वीडियोस ज्यादा बनाता तो मेरे वीडियोस की रीच ज्यादा होती, मेरे यूट्यूब चैनल का भी रेवेन्यू 2-3,000 बढ़ जाता, लेकिन उसी के साथ मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग 2-3,000 बढ़ जाती, उसी के साथ मेरे जो कोर्स सेलिंग है वो भी ऊपर चला जाता। तो ये चीजें हैं कि मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई, मैं महीने में 1-2-3 वीडियो पोस्ट कर रहा था, तो मैंने पूरे साल के अंदर जो वीडियोस बनाई होंगी, चलो 4 पर मंथ भी अगर आप करो, तो मैंने 2022 के अंदर 35-36 वीडियो बनाई, 35-36 वीडियो से मैंने ऑलमोस्ट यानी करोड़ के करीब पैसे बनाए। तो मेरे ख्याल में 35-36 वीडियो बना के करोड़ रुपया बनाना, मतलब काफी चीज, ये चीजें आपको कोई यूट्यूबर बताता नहीं है वैसे, पर मैं इसलिए रिवील कर रहा हूँ कि मैं आपको अगर ये कहता हूँ कि यार यूट्यूब में पैसा नहीं है, तो ये बात नहीं है कि यूट्यूब में इस तरह पैसा नहीं है कि है ही नहीं पैसा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूट्यूब से जो एड से पैसा आता है वो नहीं है, बाकी साथ अपनी आप चीजें, अब मर्चेंडाइज अगर मैं अपनी शर्ट्स बेचने शुरू कर दूँ यहाँ पे भाई टॉप फॉर यू लिखा, लेकिन टॉप फॉर यू उतना कूल नहीं लगेगा, तो हम जो अपना दूसरा चैनल कोई स्टार्ट करेंगे उस पर कुछ ऐसा नाम रखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ कूल लगे, तो हम वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, शर्ट्स अपनी सेल कर, मर्चेंडाइज अपनी कर सकते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा आ सकता है। तो अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि यार बिलाल भाई ये ठीक हो गया, आपने सारा अपनी गप्पें सुनाई, हमें कहानी सुनाई, अब हम क्या करें, हमारे लिए क्या है। आपके लिए सबसे पहली चीज तो ये आपको समझ आएगी कि YouTube में पैसा बहुत ज्यादा है, आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये करनी है कि आपने काम करना क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। अब यहाँ मैं बहुत से यूट्यूबर देख रहा हूँ जिन्होंने खुद इंटरनेट से नहीं कमाया, उनका सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, तो अब मैं हूं तो मैं दूसरे, आप मुझे 6 साल से जानते हो, 5.5 साल से, अगर आप मेरी नीचे वाली वीडियोस जाके देखोगे मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरीके से मैं साथ और भी चीजें, और मैं ऑनलाइन अर्निंग पे तो मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया, मैं पहले ऐप्स पे वीडियो बनाता था, मतलब हैकिंग ऐप्स और इस तरह की चीजें, तो उससे दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो यूट्यूब जो है हैकिंग और उस तरह के ऐप्स के अगर मैं वो टाइटल देता था स्ट्राइक भी लग जाता, चैनल की रीच भी डाउन हो रही थी, बिल्कुल डेड हो रहा था, क्योंकि मैंने बार बार कंटेंट चेंज किया। तो मैंने फिर ऑनलाइन अर्निंग पे स्विच कर लिया, इस पे यह कि यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक रीजन था। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोगों को जो है ये नहीं करना कि भाई शुरू कर दो ऑनलाइन अर्निंग कंटेंट, मैं जी आपको बताऊं खुद कुछ नहीं है, दूसरों को बता रहे हो भाई तो एक मिनट में $10,000 कैसे बनाने, वो चीजें नहीं करनी। जो चीज आप खुद, अगर मैं आपको बता रहा यार YouTube पे पैसा है तो भाई मैंने YouTube पे खुद काम किया, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉगिंग में पैसा है तो मैंने ब्लॉगिंग से खुद कमाया देखा है, तब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो यस ये चीजें हैं।
अब आप लोग अगर YouTube पे काम करना चाहते हो आज के टाइम पे, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता, मैंने TikTok पे भी इस पे वीडियो पोस्ट की थी, आप लोग जो पैसा बना सकते हो YouTube पे वो आप बना सकते हो YouTube शॉर्ट्स चैनल बना के। बहुत अगर आपको क्विक बनाना है, TikTok से वीडियो डाउनलोड करो, बाहर के मुल्क की वीडियो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैनल है, मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे एक चैनल है जैक किंग, ठीक है, वो TikTok पे बहुत ही जबरदस्त वीडियो बना रहा होता है, ठीक है, एडिटिंग रिलेटेड वीडियो होती है, तो वो वीडियो आप YouTube शॉर्ट्स पे TikTok से डाउनलोड करके बगैर वाटर मार्क के, उसका नाम ना है, बहुत सी वेबसाइट होती है जिन पे आप जाके, आप गूगल पे लिखो TikTok वीडियो डाउनलोडर, या आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो TikTok वीडियो डाउनलोडर विदाउट वाटर मार्क, आपको ऐप मिल जाएंगे, उसमें आप वीडियो को लिंक पेस्ट करो, वीडियो डाउनलोड करो, रोज की आप एक रूटीन बना रहे हो। अगर काम करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ी, 10-15 वीडियो वहां से डाउनलोड करो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करते जो करते जो करते, आप वैसे एक ऑडियंस बन जाएगी। अब आपको इसके दो फायदे हैं, उस ऑडियंस को आप यूज कर सकते हो अपने मेन चैनल के लिए भी। कोशिश आप ये करो कि जिस भी नीच का आप चैनल बनाना चाहते हो आप उसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, ताकि आपके पास उस तरह की ऑडियंस जमा हो जाए, फिर उस ऑडियंस को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो दो तरह से। एक तो आप उस शॉर्ट के अकाउंट को सेल कर सकते हो, वायरल अकाउंट जो 50-50 लाख लाख रुपए में सेल होते हैं, अगर आप महीने के 2-3 अकाउंट वायरल करके सेल कर रहे हो तो आप 2-3 लाख रुपया बना रहे हो सिंपली। इस पर मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है आपके पास ये तरीका है कि आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग इसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जब आपके चैनल पे शॉर्ट्स पे बहुत मिलियंस में व्यूज जा रहे होंगे, तो आपकी जो कम्युनिटी टैब आपको यूट्यूब की तरफ से मिलेगा, उसके अंदर आप पोस्ट करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यूएस की, यूके की ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर है, तो फिर जाहिर सी बात आप अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप अमेजोन की चीजें वहां पर सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो, मेरे ख्याल में आप इजीली $2,000-3,000 पर मंथ बना सकते हो इस चीज के साथ, तो काफी अच्छा यार ये। और यस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।